हेलो बच्चों, तो हम लोग कल बेसिक आइडेंटिटी देखे थे, क्या होता है। तीन बेसिक आइडेंटिटीज देखे थे, क्या था उसको रिकैप करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। थीटा रियल नंबर में से कुछ भी होगा, आंसर हमेशा क्या आने वाला है, वन ही आएगा। दूसरा देखा था हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस टू एन प्लस वन इंटू फाइव बाई टू। और एन यहाँ पे क्या है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तीसरा था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस एन पर। यहाँ पर एन क्या है, इंटीजर है। देखिए थीटा कुछ भी होगा, केवल केवल क्या नहीं होना चाहिए, इसमें पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाई के मल्टीपल पर क्या होता है, साइन जीरो होता है, और साइन जीरो होगा तो कोसेक अनडिफाइन होगा। यहां पर गलती, ये कॉट होगा ना, ये कॉट होगा, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वन होता है, और इसके नीचे में भी कॉट में भी नीचे में साइन आता है, इसलिए क्या साइन और पाई के मल्टीपल पर क्या होता है, साइन जीरो हो गया, और साइन यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसलिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं और किस तरह से फॉर्मूला लगाते हैं वो देखते हैं। तो क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा इंटू कॉस। ये प्रूव करना है, ठीक है। देखिए क्या देख रहे हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला तो पता होगा, क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर, देखिए ए का काम कौन कर रहा है, साइन थीटा, बी का काम कौन कर रहा है, तो कॉस थीटा। ए प्लस बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर साइन थीटा का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया। अब देखिए यहाँ पे साइन और कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन, तो ये वन हो जाएगा। तो देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये वन हो गया, वन माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए लिख लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिए प्रूव दैट साइन की पावर एट थीटा माइनस कॉस की पावर एट थीटा इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ठीक है। इसको प्रूव करना है, तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, साइन टू पावर एट थीटा। एक फॉर्मूला तो जानते ही हैं, ए के पावर एक्स पावर वाई, पावर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो अगर ए के पावर एक्स वाई लिखा हुआ है, तो इसको तो हम ऐसे भी फिर से लिख सकते हैं, ए के पावर वाई ए के पावर एक्स लिख सकते हैं। तो इसी का अप्लाई करते हुए हम
हम इसको क्या करना चाहते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा बनाना चाहते हैं। तो देखिए हम इसको क्या करते हैं, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, साइन के पावर 4 थीटा का स्क्वायर लिखिए, सिमिलरली इसको भी लिखते हैं कॉस के पावर 4 थीटा का स्क्वायर। देखिए अब साइन के पावर 4 थीटा ए का काम किया, कॉस के पावर 4 थीटा बी का काम किया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको क्या लिखेंगे, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा इंटू साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा। इसका तो फॉर्मूला अभी देख के आए हैं, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है। इसको फिर से ए स्क्वायर और ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर पर इसको तोड़ते, इसको क्या लिख लेते हैं, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इससे ये स्टेप लिखेंगे। उसके बाद यहां से फिर से इसको फैक्टराइज करेंगे, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये कितना आ गया 1, तो बच कितना आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यही तो प्रूफ करना था, हो गया हेंस प्रूफ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और रिजल्ट भी डायरेक्ट याद रखना है। ओके, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्रूव डेट, प्रूव करना है, प्रूव डेट। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करते हैं, इस रिजल्ट को भी डायरेक्ट याद रखना है, क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प करने वाला है। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने देते हैं और साइन स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको इससे करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए ये टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहा, इसको साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, और ये कॉस स्क्वायर थीटा ये कैंसिल, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ। चलिए तो अगले क्वेश्चन ले रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, प्रूव दैट कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, प्रूव करना है, कर सकते हैं। देखिए जो पिछले काम किए थे, पिछले क्वेश्चन में जो किए थे वही यहां पे भी करते हैं। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर लेते हैं साइन में, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा, और इसको इससे करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज चल रहा है, यहाँ पे जो कॉट स्क्वायर थीटा है उसको लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा, ये और ये कैंसिल हुआ, कितना आ गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हेंस प्रूफ। चलिए अगले क्वेश्चन को ले रहे हैं, ये सब बहुत बेसिक लेवल क्लास टेंथ का क्वेश्चन है, इससे ऊपर का नहीं है, ये सब टेंथ लेवल का क्वेश्चन है जो कि आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, प्रूव डेट। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन है आपके पास
sec theta plus cosec theta, sec theta plus cosec theta into sin theta plus cos theta equal to sec theta into cosec theta plus 2, ये प्रूव करना है। तो देख रहे हैं यहाँ पे sin cos देख रहे हैं और यहाँ पे sec theta भी है और cos cosec theta भी है, तो हम क्या यहाँ पे करते हैं इसको भी sin cos में चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको 1 upon cos theta लिख लिए, इसको 1 upon sin theta लिख लिए, ये sin theta plus cos theta है। अब LCM ले लेते हैं तो ऊपर आ गया sin theta plus cos theta और नीचे क्या है sin theta into cos theta LCM लेने के बाद, और इधर क्या है sin theta plus cos theta। अब देखें ये मल्टीप्लिकेशन में है तो पहले स्क्वायर खोल देते हैं तो क्या आ जाएगा sin square theta plus cos square theta plus 2 sin theta into cos theta upon क्या है sin theta into cos theta, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या देखें sin square theta plus cos square theta 1 होता है तो क्या मिला 1 plus 2 sin theta into cos theta upon sin theta into cos theta। अब इसको क्या करते हैं इंडिविजुअली डिवाइड करते हैं, ऊपर वाला मिटा रहे हैं यहां पे, देखिए यहां पे लिखेंगे 1 में डिवाइड किए किससे sin theta cos theta से प्लस इसमें जब डिवाइड करेंगे तो केवल 2 बचेगा। अब देखिए 1 upon sin theta क्या होता है cosec theta होता है और 1 upon cos theta क्या होता है sec theta होता है plus 2 hence both। तो अगला क्वेश्चन ले रहे हैं prove that sec square theta plus tan square theta into cosec square theta plus cot square theta equal to 1 plus 2 sec square theta into cosec square theta, ये prove करना है। क्या देख रहे हैं क्वेश्चन में देख रहे हैं इधर sec है tan है इधर cosec, मतलब चार ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है मिला हुआ है तो हमको क्या कुछ कम करना होगा, तो क्या करते हैं तो हम इसको sin cos में लिख लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे 1 upon cos square theta, इसको क्या लिखेंगे sin square theta upon cos square theta, सिमिलरली इसको क्या लिखते हैं 1 upon sin square theta, इसको क्या लिखते हैं cos square theta upon sin square theta, ठीक है। अब LCM ले लेते हैं तो क्या है दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर आ गया 1 plus sin square theta और नीचे क्या है cos square theta, यहां पे भी डिनोमिनेटर क्या है सेम है तो ये आ गया 1 plus cos square theta upon sin square theta। अब क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कुछ तो और दिख नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। देख ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 1, ये इससे हुआ तो cos square theta, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ ये इससे हुआ ये इससे हुआ तो sin square theta बना, ये इससे हुआ तो sin square theta into cos square theta और पूरा के नीचे क्या है cos square theta into sin square theta है। अब देखिए cos square theta plus sin square theta 1 होता है तो क्या बन गया ऊपर 2 plus sin square theta into cos square theta upon cos square theta
इनटू साइन स्क्वायर थीटा, ये बना। अब देखिए टू में डिवाइड करेंगे किससे, कॉस स्क्वायर थीटा इनटू, तो टू 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 क्या कांस्टेंट, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, तो टू तो कांस्टेंट है बाहर, टू सेक स्क्वायर थीटा, और ये वन अपॉन साइन क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा बनेगा। और जब इसमें साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा में जब किससे डिवाइड कर रहे हैं, सेम नंबर से, तो कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री ऐसा है, इसमें आपको प्रैक्टिस का जरूरत, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ट्रिग्नोमेट्री आपका अच्छा होते जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड tan थीटा। किसका वैल्यू, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू, हमको किसका वैल्यू मांग रहा है, sec थीटा और tan थीटा के वैल्यू क्वेश्चन वाला मांग रहा है। तो देखिए यहां पे क्या, sec थीटा प्लस tan थीटा क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, जल्दी बोलो 4। अच्छा एक फॉर्मूला जानते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो उस फॉर्मूला को लिखाते वक्त क्या बोला गया था, जो sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा दोनों एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू अगर 4 आया तो sec थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/4 आएगा। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन 1 हुआ और ये इक्वेशन 2 हुआ, अब अगर हम दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं तो जोड़ने से टेन कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 sec थीटा आएगा, 2 sec थीटा, और इधर 4 प्लस 1/4 तो कितना आ जाएगा, 17/4 आ जाएगा। तो यहां से जब 2 इधर डिवाइड में जाएगा तो sec थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, sec थीटा आ गया आपका 17/8, ये sec थीटा का वैल्यू आ चुका है। अब अगर हम लिख लिए होंगे इसको, अब इसी में अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो देखिए ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, और यहां पे माइनस, तो इधर आ गया 2 tan थीटा, और इधर आ गया 4 माइनस 1/4 तो कितना आ जाएगा, 15/4, तो tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 15/8 हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है, इफ sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए हम क्वेश्चन वाला क्या दे रखा है, sec थीटा माइनस tan थीटा किसके इक्वल है, sec थीटा प्लस tan थीटा के इक्वल है, ये दे रखा है, तो हमसे sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, सही है। तो देखिए हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं जो sec थीटा माइनस tan थीटा और
sec थीटा प्लस tan थीटा दोनों क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, वन अपॉन, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, यहां रख देते हैं इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल रखेंगे sec थीटा प्लस tan थीटा, और इधर क्या है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा, अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो sec स्क्वायर sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर बनेगा इक्वल टू 1। अब अंडर रूट दोनों साइड ले लेते हैं तो sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू आ गया, क्या आ गया, प्लस माइनस 1, और यही तो हमें निकालना था, समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है जो कि आप लोग टेंथ में करके आए हैं, ये क्वेश्चन 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस cot थीटा, ये चलिए करते हैं इसको। तो क्या करते हैं, देखिए ऊपर नीचे 1 माइनस cos थीटा से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। देखिए 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए, तो देखिए ये बना 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट से बाहर आ गया 1 माइनस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा क्या बना, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर आया तो क्या बना, sin थीटा, ठीक है, तो 1 अपॉन sin थीटा क्या होगा, cos थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होगा, cot थीटा, हो गया प्रूव, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे ले रहे हैं, देखिए ट्रिगोनोमेट्री में आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही बेटर होते जाएगा आपका ट्रिगोनोमेट्री, बाकी कोई इलाज नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं ट्रिगोनोमेट्री का, बस प्रैक्टिस है, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, प्रूव ही करना है, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा, चलिए ये कर लेते हैं, आप लोग कीजिए 10 सेकेंड, 10 सेकेंड टाइम है, कर सकते हैं। देखिए तो sec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए और क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, से देख रहे हैं क्वेश्चन में ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, प्लस 2 है और a भी नहीं है, a भी में क्या आना चाहिए, tan थीटा और cot थीटा होना चाहिए, तो हम तो जानते हैं tan थीटा और cot थीटा का प्रोडक्ट कितना होता है, 1 होता है, तो लिख देते हैं tan थीटा * cot थीटा लिख दिए। अब देख रहे हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो क्या बना, टेन थीटा प्लस फोर थीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट, बाहर क्या आ जाएगा, टेन थीटा प्लस फोर थीटा, ठीक है बच्चों। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, बोल सकते हैं जो अंडर रूट से बाहर है, अगर एक्स स्क्वायर निकलता है तो मॉडुलस लगेगा, तो अभी जो हम थीटा जो ले रहे हैं ना, हम ये मान के ले रहे हैं अंदर अंडर रूट में जो भी है वो पॉजिटिव ही है, ठीक है, इसलिए मॉडुलस सर नहीं ले रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं अभी जो भी है स्क्वायर रूट के अंदर अंदर में वो पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इजी इजी दो तीन क्वेश्चन देख लेते हैं तेजी से।
चलिए इसका वैल्यू बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस वन इंटू cot स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू फाइंड करना है। बता सकते हैं, देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या है, cot स्क्वायर थीटा। अब जानते हैं tan स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा क्या, tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, वन होता है। ये क्या लिखा हुआ है, ये tan थीटा इंटू cot थीटा होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये वन का स्क्वायर है, तो वन का स्क्वायर वन,